कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लेखक पूर्णचंद्र तेजस्वी की एक लघु कहानी पर आधारित कन्नड़ फिल्म डेयर डेविल मुस्तफा के लिए टैक्स छूट को मंजूरी दे दी है। सिद्धारमैया ने व्यावसायिक कर आयोग से फिल्म के निर्देशक शशांक सोक के अनुरोध के आधार पर फिल्म को छूट देने के लिए कहा है। इससे मूवी टिकट को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST से छूट मिलेगी। हाई कोर्ट ने बुधवार को फेसबुक को चेतावनी दी कि वह देश में फेसबुक की गतिविधियों को निलंबित करने के आदेश को विचार करना होगा, क्योंकि वह राज्य पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर पाई है जो एक भारतीय नागरिक की सऊदी अरब में गिरफ्तारी की जांच में जुटी है। इस संबंध में न्यायाधीश कृष्णा एस दीक्षित के नेतृत्व में ये बेंच, जिसने दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु के निकट विकर्णिकट्टा के निवासी कविता द्वारा दायर की गई याचिका को सुना, ने ये चेतावनी दी। बेंच ने फेसबुक से अद्यतित जानकारी के साथ एक पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए कहा। भाजपा ने आज गुरुवार को कर्नाटक सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने के कांग्रेस सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और एम मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाले संगठन को नई मुस्लिम लीग करार दिया। बेंगलुरु, बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक ने छोटी सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें वृषभावती नहर के पानी को शोधांकन करने का खर्च शामिल है। बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र में स्थित तुमकुर जिले में 83 झीलों की भराई मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा आज की कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिली। कैबिनेट बैठक ने 1,081 करोड़ रुपए की लागत पर वृषभावती नहर के पानी को शुद्ध करने और उस पानी को झीलों में निकालने की मंजूरी दी है। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुकुल पाठ्यपुस्तकों में से RSS संस्थापक के बारे में एक अध्याय को हटाने की पुष्टि की है। इसके साथ ही भाजपा सरकार द्वारा किए गए स्कूल पाठ्यपुस्तकों में किए गए सभी बदलावों को भी वापस लिया गया है। कर्नाटक शिक्षा मंत्री मधु बंगारपा ने कहा, KB हेजवार पर पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है। पिछली सरकार द्वारा जो बदलाव किए गए हैं, हमने उन्हें बदल दिया है और पिछले साल के जैसा पुनर्प्राप्त कर दिया है। वीर सावरकर के टेक्स्ट को हटाने को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री BC नागेश ने निंदा की। पत्रकारों से बात करते हुए नागेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए और सिद्धारमैया की सरकार हिंदू विरोधी है। उन्होंने कहा कि वे अल्पसंख्यकों के वोटों को आकर्षित करने के लिए हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहती है और वे हिजाब को फिर से लागू कर सकती है। कर्नाटक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अन्नभाग्य के लिए चावल की कमी की पृष्ठभूमि में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री KH मुनियप्पा आज पड़ोसी तेलंगाना के लिए रवाना हो गए हैं। अन्नभाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त 5 किलो चावल के मद्देनजर राज्य सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के कारण होने वाली चावल की कमी को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों का रुख किया है। कल ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आरोप लगाने के बाद कि केंद्र सरकार ने उन्हें दरकिनार कर दिया, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री KH कैबिनेट बैठक के बाद मुनियप्पा तेलंगाना राज्य के लिए रवाना हो गए। बेंगलुरु, कांग्रेस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, आर्थिक इंतजाम नहीं कर पाए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस बात पर आपत्ति जताई है। बोम्मई ने मल्लेश्वर में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार 10 किलो चावल के मामले में छल कर रही है। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी राज्यों को 5 किलो चावल दे रही है। दिसंबर में रखरखाव परिवहन खर्च भी शुरू किया गया। पहले ये दोनों लगभग 3 रुपये राज्य को ही वहन करने पड़ते थे। 10 किलो में से 5 किलो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। हालांकि उन्होंने इस बात की आलोचना की कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने इसे छुपाने की पहल की और दिखावा किया कि वे इसे दे रहे हैं।